राजनगरी आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 150 तक पहुंच गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा आगरा में अब तक 30 क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा चुके हैं और नए क्वारंटाइन सेंटर भी प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनका प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जा रहा है। वहीं एडीएम प्रशासन ने बताया है कि हमारे द्वारा लगातार क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 30 है और हमारे द्वारा लगातार इनकी व्यवस्था को लेकर निरीक्षण भी किया जा रहा है। आगरा से ब्रिज किशोर शर्मा की रिपोर्ट। आज क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया, क्या सुविधा रखी? ये यहाँ पर हम लोगों ने 200 बेड की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। अभी जो भी बेसिक व्यवस्थाएं नीड हैं हम लोग उसकी पूरी करवा रहे हैं और यहाँ हम लोगों ने इसको लिया है 200 बेड के लिए। और भी कहीं आगे पिछड़े? हाँ, अभी हम लोग और ले रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है उसी हिसाब से हम अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। कितने क्वारंटाइन सेंटर्स हो चुके हैं? अब वो टोटल मेरे तो जो एक्टिव और नॉन एक्टिव मिला के तो करीब 30 के आसपास हैं, लेकिन अभी हमारी एक्टिव लगभग 16 हैं, तो हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बना रखी है अलग से भी।